हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा, जिस दिन, घड़ी, पहर का बेसब्री से इंतजार था आप लोगों को, वो घड़ी आ गई है। यानी कि 5 मई नीट का एग्जाम, जो आपके कैरियर को बेटा डिसाइड करने वाला है, आपके सपने को पूरा करने वाला दिन, यानी कल 5 मई, जिस दिन आप सभी लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कुछ छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यह समय कोई नई चीज पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। जितना आप लोग पढ़ चुके हैं उन फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहिए। अगर पर्टिकुलरली मैं केमिस्ट्री की बात करूं बेटा, तो केमिस्ट्री में बेटा आप जानते हैं 3 पोर्शन है आपका, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक से उठाते हैं, तो ऑर्गेनिक में अभी आपने क्या करना है? ऑर्गेनिक में बेटा जितने नेमिंग रिएक्शन है वो सारे नेमिंग रिएक्शन आप एक बार रिवाइज कर जाइए, उनके रिएजेंट के साथ वो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बन रहा है। नेमिंग रिएक्शन से मैं गारंटी देता हूं बेटा 3 क्वेश्चन आपके नेमिंग रिएक्शन से आ रहा है, 100% गारंटी है बेटा। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन जो 100% पूछे जाते हैं बेटा, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, फिर उसके कार्पिल अमीन रिएक्शन है, स्टेफन रिएक्शन है, बोरोडिन हुंस डीकर है, ये सब फ्रीक्वेंटली इटार्ड रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना। जो कुछ नेमिंग रिएक्शन है बेटा, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, ये सब रिएक्शन बेटा आप लोग अच्छे से देख जाइएगा। नेमिंग रिएक्शन एक बार पूरा आप देख जाइए, नेमिंग रिएक्शन से बेटा आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन का होगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो भाई देखिए आपने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन लगाना देखा होगा, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर देखा होगा। फिर उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आ जाएंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इस तरह से जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है और उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, इस पे बेस्ड बेटा आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं अदर बायोमोलिक्यूल्स वगैरह की, तो एक बेटा विटामिन से 100% आपका क्वेश्चन मिलने वाला है, चाहे विटामिन ई हो गया, उसकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज, या के हो गया, तो इस तरह से बेटा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। विटामिन आपका 100% पूछा जाता है। तो बेटा ऑर्गेनिक में अभी आपको नेमिंग रिएक्शन रिवाइज करने हैं, और जो भी आपने रूल्स वगैरह इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन वगैरह में पढ़ रखा है वो सब देख लीजिएगा। नॉमनक्लेचर बेटा आएगा, आप लोग कर ले जाएंगे, उसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह निकालने के फॉर्मूले जो है वो बेसिकली वो देख लीजिएगा। इससे ज्यादा बेटा और कुछ ऑर्गेनिक में अब नहीं करना है। फिर आते हैं बेटा इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में बेटा सिर्फ 3 चैप्टर खूब अच्छे से। पहला पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अभी आपको बता दे रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाने को देगा, अगर वो नहीं दिया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाने का ऑर्डर देगा, सल्फर सिलिनियम ऑक्सीजन वाला देगा, नहीं दिया तो साइज का ऑर्डर लगाने को देगा, और साइज में भी कौन सा देगा, P-3, S-2, Cl-1, Ar, जो आयनिक रेडियाई का जो ऑर्डर है वो बेटा हमेशा पूछा जा रहा है। हर साल आयनिक रेडियाई पे बेस्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछे जा रहे हैं। तो आयनिक रेडियाई जो मैंने आपको एक नेम याद करवाया था बेटा कि 104 से 118 का क्या नाम होता है, मेंडेलिवियम, लॉरेंसियम, उसमें से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बेटा। तो ये ऑर्डर लगाने के क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से आएंगे। फिर आते हैं बेटा हम लोग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन कहां से आने हैं, तो बेटा एक क्वेश्चन तो आपके आइसोमेरिज्म से आएगा। आइसोमेरिज्म से भी कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, PTEN2SCl2 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिस और ट्रांस बनाता है, सिस के ऑप्टिकल बनते हैं, ट्रांस के ऑप्टिकल नहीं बनते हैं, या फिर आयोनाइजेशन अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर,
तो एक आयनाइजेशन से पूछता है, दूसरा आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है बेटा कि किसके अंदर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, तो उसका मैंने ट्रिक बता रखा है, D1, D2, D3 इनके साथ कोई भी रहे, D2 sp3 होता है, D8, D9, D10 के साथ कोई भी रहे, sp3 D2 होता है, बीच वालों के साथ स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है तो D2 sp3, वीक फिल लिगेंड है तो sp3 D2। उसके बाद आ जाइए बेटा तो वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी से दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक तो कितना मोल प्रेसिपिटेट बनेगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस, फिर एक क्वेश्चन बनता है मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग का, जिसके अंदर जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है, मेटल कार्बन के बीच का लेंथ कम होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का लेंथ ज्यादा होता है, एक बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सिंपल फॉर्मूला। तो ये इतने जो है ना बेटा, इसमें आपके कोऑर्डिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन से, जैसे डाइईन है, ये किस तरह का लिगेंड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा केमिकल बॉन्डिंग की, तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग से कुछ एकदम फिक्स क्वेश्चन है, रटे रटाए क्वेश्चन है, जो दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती, आना ही आना है। जैसे सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। दूसरा अगर मैं उठा लूं बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्वेश्चन आना ही आना है 100%, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। डाइपोल मोमेंट से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है बेटा, डाइपोल मोमेंट के जैसे CH3, Cl, CH3, F वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, NH3, NF3 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर बॉन्ड एंगल से एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा, फिर उसके बाद आ जाए बेटा हम लोग तो फजांस रूल, पोलराइजेशन से एक क्वेश्चन बन सकता है, सॉलिबिलिटी, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन यहां बन सकता है बेटा। तो ये बेटा केमिकल बॉन्डिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाने थे। फिर आ जाइए बेटा, ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी आपका मान लीजिए बेटा जो भी आपके डी ब्लॉक पी ब्लॉक्स हैं तो उसमें बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी हुई है उसको देख लीजिएगा, K2MnO4 को हीट किया तो क्या बना, K2Cr2O7 को हीट किया तो क्या बना, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट उसमें दिया होगा, क्लोराइड के टेस्ट के लिए बेटा वो क्या है, ये सब फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है बेटा, ठीक है, या जनरल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक की है उससे क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हम लोग आ जाते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मुख्य रूप से हमें क्या क्या पढ़ना है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेटा सोल्यूशन की, सोल्यूशन में बेटा देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल से पूछेगा, ठीक है, आइडियल का एग्जाम्पल बहुत आसान होता है, एकदम होमोलोगस होते हैं, CCl4 SiCl4 क्लोरोबेंजीन तो ब्रोमोबेंजीन, एकदम सिमिलर हेक्सेन तो हेप्टेन, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल एकदम याद हो, और उसकी कंडीशन क्या होती है याद होना चाहिए, बाकी मोलरिटी नॉर्मलिटी मोलरिटी के फॉर्मूले एकदम फर्स्ट क्लास से याद रखिएगा बेटा। आगे आते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर होती है। फिर वांट हाफ फैक्टर, कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है वांट हाफ फैक्टर निकालने का, तो दो फॉर्मूले हैं α = I - 1 N - 1, α = 1 - I 1 by 1 - 1 by N, ये दोनों फॉर्मूले पे देख लीजिएगा बेटा, ये आपके सोल्यूशन में हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें बेटा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेट पैटर्न है, क्वेश्चन कहां से पूछना है, पहले तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला लैम्डा एम इक्वल टू 1000 K / मोलरिटी और नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो तो एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम आयन में किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, लिथियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, हाइड्रेटेड साइज बड़ी होती है, उसकी मोबिलिटी कम होती है, वो धीरे धीरे भागेगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाना है बेटा। फिर आ जाइए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, तो दो फॉर्मूले हैं बेटा, W = E/96500 I × T, फर्स्ट लॉ पे, और सेकंड W1/E1 = W2/E2, एक फैराडे किसी के भी अंदर पास करेंगे इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा, ये हो गया। फिर आ जाइए बेटा कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ तो एप्लीकेशन 100% इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है, 100 बार भी पूछेगा एनसीईआरटी का वो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला क्वेश्चन जहां पे आपको दिया होता है CH3 COONaHCl NaCl की कंडक्टिविटी और पूछता है CH3 COOH के बारे में बताइए, 100% ये क्वेश्चन आना ही आना, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। या α = λm एट एनी कंसेंट्रेशन बाय λm इन फाइनाइट डाइल्यूशन, और आगे बढ़ेंगे तो नॉस्ट इक्वेशन 100% है बेटा, नॉस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आना ही आना है, E cell = E0 cell 0.059 / N log concentration of product upon reactant, अगर इक्विलिब्रियम है तो E cell 0 होता है, concentration cell में E0 cell 0 होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है तो E0 cell = 0.059 / N log KC, ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा जाना है।
बैटरी में आ जाइएगा तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का रिएक्शन बस पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़िए केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कोई भी रिएक्शन अगर दिया हुआ है उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है स्टोइकोमेट्री के टर्म में। दूसरा बेटा उसमें आ जाइए तो आर्हेनियस फॉर्मूला के इक्वल टू ए पावर माइनस ए अपॉन आर टी, इससे क्वेश्चन बनता है। तीसरा 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। बेटा यही से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ये केमिकल काइनेटिक्स का हो गया बेटा। फिर अगर आप आ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में एसिडिक नेचर HClO, HClO2, HClO3, HClO4 100% पूछा जाएगा, या कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को बोल देगा, या इक्विवेलेंट वेट निकालने को बोलेगा, इक्विवेलेंट वेट निकालने को बोलेगा तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फिर बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के बाद अगर आगे बढ़ते हैं आप लोग तो रिडॉक्स रिएक्शन के बाद आपका आ जाता है बेटा हमारा ये केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछता है पूछता है, सुन लीजिए कहां से पूछेगा बेटा। सॉलिबिलिटी 100% वाला क्वेश्चन है, सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में आपका रिलेशन जरूर पूछता है, बहुत आसान तरीके से बताया गया है। कब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जब आयनिक प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है, और यहीं से रिलेटेड आप देखिए सॉल्ट हाइड्रो सॉल्ट एनालिसिस के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा। सॉल्ट एनालिसिस में आपको मैंने बताया था बेटा जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट और कौन कौन सा एलिमेंट उसमें आ रहा है वो याद रखिएगा। इसी तरह बेटा अगर आप एनायन के टेस्ट की बात करेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 कंसंट्रेट और फास्फेट सल्फेट तीनों लास्ट में आते हैं बेटा, तो हर ग्रुप का याद रखिएगा। ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बोरेक्स बीट टेस्ट जो है बेटा बहुत पूछता है, बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट में जानते हैं प्लेटिनम की लूप होती है, उसके ऊपर बोरेक्स लगाते हैं, फिर गर्म करते हैं बोरेक्स चिपक जाता है, फिर गर्म करते हैं बोरेक्स चिपक जाता है, फिर जब उसकी बीट बन जाती है तो सॉल्ट में डाल देते हैं तो पर्टिकुलर कलर को शो करता है, बोरेक्स बीट टेस्ट होता है। तो सॉल्ट एनालिसिस में मुख्य रूप से इतना याद रखिए जो बेसिक है एकदम। उसके बाद बेटा इक्विलिब्रियम में अगर आप आते हैं तो सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आता है बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के दो फॉर्मूले एसिडिक और बेसिक बफर के, पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन सॉल्ट अपॉन बेस। तो ये सिंपल फॉर्मूले ये दोनों याद रखिएगा बफर सॉल्यूशन के। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आते हैं तो एक बात याद रखिएगा वीक एसिड वीक बेस के केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। इसमें आपको ये बताना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है और टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है। फिर आ जाइए बेटा तो आपका पीएच आएगा, पीएच में 10^-8 एम एचसीएल वाला जो एक्सेप्शन है आप जानते हैं 6.96 सबको याद है, बट वेरी डाइल्यूशन का वेरी डाइल्यूट का केस है 7 से थोड़ा सा कम होगा, बेस होगा 7 से थोड़ा सा ज्यादा। फिर उसके बाद ऑस्टोवाइल डाइल्यूशन लॉ के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, हाइड्रोजन एन बराबर सी अल्फा, ये एकदम रटे रटाए फॉर्मूले हैं ऑस्टोवाइल डाइल्यूशन लॉ आप जानते ही है बेटा। अब आ जाइए अगर हम लोग आते हैं ली चेटली प्रिंसिपल में तो ली चेटली प्रिंसिपल से भी बेटा क्वेश्चन बनता है, अगर कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ा दे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, ठीक है ना। इक्विलिब्री केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आता है अगर किसी रिएक्शन को चेंज किया जाए, दो रिएक्शन को जोड़ा जाए तो के मल्टीप्लाई हो जाता है, दो से मल्टीप्लाई करोगे तो के ऊपर पावर चला जाता है, रिएक्शन को रिवर्स करो तो 1/K टर्म में वैल्यू आती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगर किसी भी इक्विलिब्रियम को लिखना हो तो इक्विलिब्रियम पे कैसे रिएक्शन लिखा जाता है यहां से न्यूमेरिकल पूछने के चांस बहुत ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा बेटा के जो होता है ना सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके अलावा कहीं किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। एक्टिव मास सॉलिड और प्योर लिक्विड का हमेशा 1 होता है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में ना बेटा ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था बेटा आपके केमिस्ट्री की बातें। तो इस समय बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन पढ़ लीजिए, इनऑर्गेनिक में कुछ जनरल बातें जो भूल रही हो उसको याद कर लीजिए, फिजिकल में सिर्फ फॉर्मूले के थ्रू जाइए, बाकी कुछ नहीं करना है बेटा। बाकी अगर हम लोग बात करें बेटा कि लास्ट में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो देखो बेटा जैसे ही पेपर आपको मिले सबसे पहला काम आप पूरे पेपर को देख जाइए, उसमें देखने के बाद आप जज करिए कि कौन सा पोर्शन आसान है। वैसे देखिए बेटा केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान आने वाला है, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, मस्त पेपर आसान आने वाला है, एकदम बिंदास होकर के दीजिएगा। जो पेपर लगता है आपको आसान है, सपोज मैं कहता हूं फिजिक्स आसान है, सबसे पहले फिजिक्स शुरू कर दीजिए, लगता आपको बायो आसान है तो बायो शुरू कर दीजिए, जो आसान हो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, जो पोर्शन टफ हो उसको सबसे लास्ट में ले जाना है। इतने कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा है तो सबसे पहले बायोलॉजी में चले गए, पता चला बायोलॉजी का पेपर बहुत टफ हो गया। जो पेपर आसान हो सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करना है।
किसी भी लेवल का पेपर हो बेटा, घबराना नहीं है, अपने दिमाग को स्टेबल बना के रखना है, ये सोच के रखना है कि मेरे लिए टफ नहीं है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए टफ है पेपर। तो पेपर में बेटा संयम रखिएगा, निगेटिव से बचिएगा, ओवर अटेम्प्ट मत करिएगा, लालच मत करिएगा। आपको लग रहा है कि सिलेक्शन लेवल से ऊपर मेरा नंबर जाने लगा है, तो बेटा ओवर अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेपर को सेलेक्ट करके बेटा चुन चुन के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एक दो तीन राउंड में पेपर को सॉल्व करिएगा, जो इजी हो उनको पहले कर लिया, जो मीडियम है दूसरे राउंड में, हार्ड वाले को तीसरे राउंड में, जो करते जाइएगा उसका डॉट बनाते जाइएगा। कभी कभी आप लोग जल्दीबाजी में भरते हैं, एक ऊपर नीचे डॉट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो ये सब छोटी बातें ध्यान रखिएगा बेटा। बाकी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कपड़े से रिलेटेड, जैसा कपड़ा बताया है बेटा सिंपल एकदम वैसे पहन करके जाइएगा। बाकी आपको पानी की बोतल वोतल तो हो सकता है वहां पे मिल भी जाए, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सेंटर पे अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। बाकी वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करिएगा, कोशिश करिएगा बेटा टाइम से पहले सेंटर पे पहुंचे। मौसम खराब चल रहा है, धूप है, हवा भी चल सकती है, लू भी चल सकती है, समय से पहले आप किसी सेंटर पे पहुंच जाइए। अगल बगल अगर कोई रेस्टोरेंट है या पेड़ की छांव है वहां आराम से बैठिए, वहां पे रिवाइज हो करते रहिए। किसी भी चीज को लेकर के पैनिक मत होइएगा, आपने कर्म किया है, ईश्वर आपको कर्म का फल जरूर देगा, एकदम निश्चिंत रहिए बेटा। आपने मेहनत किया है, आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, आप जरूर सेलेक्ट होंगे, आपके सपने जरूर साकार होंगे। माता पिता और गुरुजनों का भी गर्व से हमेशा ऊंचा करेंगे बेटा, तो कल वो दिन है जब आपके सपने पूरे होने वाले हैं। तो बेटा एकदम अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, एनर्जी लेवल को बढ़ाओ और जी जान लगा करके कल के दिन को अपने सपनों को साकार करो। तो इसी के साथ मैं सभी अपने प्यारे बच्चों को, जितने भी नीट के एस्पिरेंट हैं, सारे नीट के एस्पिरेंट को ऑल द बेस्ट। यू आर माई रॉकर्स एंड यू हैव टू रॉक। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। गुरुकुल फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को